हमारी रिपोर्टर। हाय। ओके नीति, ये लोग जानना चाहेंगे स्पेशल ओकेजन है आज अनुपमा के सेट पर, हवन हुआ है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग? वैसे तो कोई ज़्यादा हम लोग तामझाम नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत खुश हैं कि आज सुबह सुबह हवन हुआ है, पूजा हुई है। भगवान की शुरुआत से आई थिंक कोई भी काम असफल नहीं होता है, हमेशा अच्छा होता है। सो इट्स वेरी नाइस, पॉजिटिविटी है एक, हम बहुत खुश है, अपनापन है, एंड बस ऐसे केक वेक काटेंगे, खाना वाना खाएंगे साथ में, तो ये सेलिब्रेशन हो जाएगा। इट्स अनबिलीवेबल, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, इट्स अनबिलीवेबल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे शोज आते हैं, इतने सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, उस पर ये टॉप कर रहा है, और वो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो इतना टीआरपी इतनी अच्छी है कि यू नो इट्स लाइक समटाइम्स इट्स हार्ड टू बिलीव कि ओ माई गॉड वी आर नंबर वन। एंड आई थिंक हमारे जो राइटर्स हैं, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एवरीबडी, जो टीम वर्क है, वो एक यू नो ऑडियंस की सोल को टच कर रहा है। एवरी कैरेक्टर इन द शो इज टचिंग समवन समवे और दी अदर। तो ये शो अपने आप में इतना अच्छा है, इतना प्योर है, इतना रियल रियलिटी है, इतनी रियल चीज़ें बताता है कि आई थिंक पीपल वॉन्ट दिस, इसलिए वो ज़्यादा देखते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, और आज हम नंबर वन है। बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, सबके साथ बहुत अच्छा है, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है, एवरीबॉडी इज़ सपोर्टिव, बहुत स्वीट है। सुधांशु हो गए, रूपाली जी हो गए, तस्नीम हो गए, बा बापू जी, समर, तोशु, पाखी, आनंद, सब लाइक एवरीबॉडी, जिनसे भी बात करो ना, सब अच्छे ही पॉजिटिव नेचर के हैं, सब सबके साथ अच्छा लगता है। मेरे व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप अनुपमा देखते हैं, आगे भी देखते रहिए, जिस डेडिकेशन के साथ आप लोग हमारा शो देखते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, यू नो खुशी मिलती है कि आप सभी को हमारा शो बहुत पसंद आता है, एंड वी लव यू ऑल, एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपके दिल को छुएंगे, और आपको हमेशा हर एपिसोड में खुश करेंगे, एक्साइटेड यू नो आपके एक्साइटमेंट को बरकरार रखेंगे। एंड अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, और खुश और हेल्दी हैप्पी रहिएगा।